हेलो एनिमेटर्स, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे। तो इतने सालों से मोबाइल पर उंगलियां घिसने के बाद फाइनली मुझे मेरा न्यू डिस्प्ले पेन टैबलेट मिल चुका है, जो कि है हुयोन का कैनवास प्रो 13। तो इस वीडियो में मैं इसके अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू के साथ साथ मैं आपको इसके फायदे एंड नुकसान के बारे में भी बताऊंगा, एंड इतने पैसे खर्च करके क्या ये लेना वर्थ इट है या नहीं, हम इसके बारे में भी बात करेंगे। तो हुयोन ब्रांड के बारे में मुझे आपको ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, बिकॉज इस ब्रांड के ग्राफिक टैबलेट काफी सारे प्रोफेशनल आर्टिस्ट यूज करते हैं। तो सबसे पहले हम अनबॉक्सिंग के साथ स्टार्ट करते हैं, जो कि आपको मेरी बहन करके दिखाएगी। तो सबसे पहले हमें इस कार्डबोर्ड बॉक्स को ओपन करना पड़ेगा, एंड इसे ओपन करने के बाद ये रहा हमारे ग्राफिक टैबलेट का असली वाला बॉक्स, जिसपे एक बढ़िया एंड क्यूट सा आर्ट वर्क भी बना है। तो अब इसे भी ओपन कर लेते हैं। तो सबसे ऊपर ही यहाँ पर हमारा डिस्प्ले ग्राफिक टैबलेट मिल जाता है, जो कि कुछ ऐसा दिखता है, एंड ये एंटी ग्लेयर स्क्रीन के साथ आता है, एंड पीछे का पार्ट पूरा मेटल का है, एंड इसका डिस्प्ले साइज 13.3 इंचेस का है, एंड सबसे बड़ी बात इसमें हमें 120% sRGB मिलता है, जो कि परफेक्ट कलर्स को प्रोड्यूस करता है। तो ये आप देख सकते हो, एंड अब इसके नीचे ये रहा हमारे डिस्प्ले टैबलेट का स्टैंड, जिसपे रख के हम टैब को यूज करेंगे, एंड इसका मैनुअल वगैरह भी यहाँ पर मिल जाता है। तो ये स्टैंड कुछ इस तरीके से वर्क करता है। एंड नेक्स्ट ये रहा हमारा बैटरी फ्री स्टाइलस, जो कि मेटल का है, एंड ये रहा इसका पेन होल्डर, जो कि पोकेमोन के बॉल या डोनट जैसा कुछ दिखता है, जो कि काफी ज्यादा बढ़िया है। एंड इसे ओपन करने पे इसके अंदर हमें काफी सारे पेन के निब्स मिल जाते हैं, एंड इसके बाद हमें हमारे टैब को पीसी या लैपटॉप से कनेक्ट करने के लिए कुछ केबल्स मिल जाते हैं। एंड अब नेक्स्ट ये कुछ बॉक्स जैसा है, तो हम इसे भी ओपन कर लेते हैं। तो इसके अंदर हमें एक एडेप्टर मिल जाता है, जो कि हमारे टैब से ही कनेक्ट होगा उसे पावर देने के लिए, एंड और यहाँ पर आपको एक क्लीनिंग क्लॉथ मिल जाता है, जिससे आप अपने टैब से धूल मिट्टी को साफ कर सकते हो, एंड इसका क्वालिटी भी काफी ज्यादा बढ़िया है। एंड लास्ट में हमें यहाँ पर एक मैनुअल मिलता है फॉर कनेक्टिंग द टैब एंड डाउनलोडिंग ड्राइवर्स। एंड इसके बाद हमें कुछ और नहीं मिलता, एंड इसमें हमें स्मज गार्ड यानी हैंड ग्लव्स नहीं मिलता, जो कि सही नहीं है, वो हमें अलग से परचेज करना पड़ेगा। एंड गाइस, इस ग्राफिक टैबलेट को मैं काफी टाइम से यूज कर रहा हूँ, जो कि आप इस गंदगी को देख के शायद समझ सकते हो। तो मैं आपको बिल्कुल जेन्युइन रिव्यू दूंगा, भले ही ये वीडियो स्पॉन्सर्ड है। तो अब जल्दी से मैं आपको इसे अपने लैपटॉप से कनेक्ट करके दिखा देता हूँ। एंड मैंने अपना एक न्यू लैपटॉप भी लिया है, एंड एक पूरा एनिमेशन सेटअप भी रेडी कर दिया है, तो उस पे मैं एक डेडिकेटेड वीडियो भी बना दूंगा। तो सबसे पहले मैं स्टैंड को एडजस्ट कर लेता हूँ। एंड देन ग्राफिक टैबलेट को भी सेट कर लेता हूँ। तो इसे कनेक्ट करने के लिए हमें 3-pin 2-1 USB टाइप सी केबल मिलता है। तो यहाँ पर एक HDMI केबल है, एंड देन एक USB केबल है, एंड देन ये केबल है जिसमें हमारे एडेप्टर का पिन लगेगा, एंड देन एडेप्टर को हम डायरेक्ट इलेक्ट्रिक बोर्ड से कनेक्ट कर देंगे, एंड इस USB टाइप सी को हम अपने ग्राफिक टैबलेट में लगा देंगे। तो मैं जल्दी से सबको कनेक्ट कर लेता हूँ। एंड नाउ अब मैं स्विच को ऑन कर देता हूँ। सो हमारा डिस्प्ले पेन टैब स्टार्ट हो चुका है। सो यहाँ पर हम एक पावर बटन मिल जाता है, एंड 4 शॉर्टकट्स बटन है, एंड ये एक टच पैड भी है, जिसके हेल्प से आप फिंगर से स्लाइड करके जूम वगैरह भी कर सकते हो, या ब्रश के थिकनेस को भी छोटा या बड़ा कर सकते हो, एंड ये सभी कीज टोटली कस्टमाइजेबल है। एंड इस बटन के हेल्प से आप इस टैब के स्क्रीन का ब्राइटनेस, कॉन्ट्रास्ट, सेचुरेशन एंड और भी काफी सारी चीजों को एडजस्ट कर सकते हो। सो मैंने ड्राइवर्स वगैरह इंस्टॉल कर लिया है, एंड अब हम इसमें सभी कीज वगैरह के शॉर्टकट्स को ऐड कर लेते हैं, एंड स्टाइलस में जो 2 बटन्स हैं उनमें भी हम शॉर्टकट कीज को ऐड कर लेते हैं, एंड बाकी के सेटिंग्स को भी सही कर लेते हैं। तो अब आ जाते हैं हम इसके टेस्टिंग पे। तो सबसे पहले हम इसे क्रीता में टेस्ट करेंगे। तो क्रीता में मैंने सभी ब्रशेस को बारी बारी से चेक किया, एंड सभी ब्रशेस काफी बढ़िया तरीके से वर्क कर रहे थे, एंड इस टैब को यूज करते हुए ऐसा लग रहा था जैसे कि मैं डायरेक्ट पेपर पर पेन से ड्रॉ कर रहा हूँ। सभी ब्रशेस की प्रेशर सेंसिटिविटी एकदम बढ़िया तरीके से वर्क कर रही थी। एंड से मैंने इस ग्राफिक टैबलेट को आईबीस पेंटेक्स में भी यूज किया है, एंड वहाँ भी ये काफी ज्यादा बढ़िया परफॉर्म कर रहा था। एंड मैंने इस ग्राफिक टैब को ब्लेंडर में भी ट्राई किया है, एंड वहाँ भी इसका परफॉर्मेंस काफी बढ़िया था।
बट ब्लेंडर में अगर आप 2D एनिमेशन या स्कल्पटिंग करते हो तो ही ग्राफिक टैबलेट को यूज करने में मजा आता है, अदरवाइज इसका कुछ खास यूज नहीं पड़ता। एंड डाविंसी रिजॉल्व जो कि एक प्रोफेशनल एडिटिंग सॉफ्टवेयर है, उसमें भी मैंने इसका परफॉर्मेंस चेक किया एंड वहां भी ये काफी ज्यादा बढ़िया परफॉर्म कर रहा था। तो ओवरऑल ये ग्राफिक टैबलेट इसके प्राइस के अकॉर्डिंग बिल्कुल वर्थ इट है एंड इसका बिल्ड क्वालिटी वगैरह बिल्कुल प्रीमियम जैसा है एंड इसका केबल एंड एडेप्टर सबका ही क्वालिटी बिल्कुल बढ़िया है। तो ये टैबलेट आपके लिए काफी अच्छा इन्वेस्टमेंट हो सकता है। एंड डिस्प्ले पेन टैबलेट का सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है कि आपको कंप्यूटर या लैपटॉप स्क्रीन को देखकर नहीं ड्रॉ करना पड़ता है, आप डायरेक्टली स्क्रीन पर ड्रॉ कर सकते हो बिल्कुल रियल लाइफ की तरह। तो इस डिस्प्ले पेन टैबलेट का बाय लिंक आपको डिस्क्रिप्शन एंड कॉमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। सो एनिमेटर्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।